मॉडल दिव्या पहुजा का मर्डर इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा में बना हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्या पुलिस के साथ प्लानिंग करके इस पूरे मर्डर की कहानी रची गई थी। अगर सही से होटल और सीसीटीवी चेक किया होता तो मॉडल दिव्या पहुजा की लाश और हत्या में इस्तेमाल हथियार मौके से बरामद हो जाते। गुरुग्राम के डीसीपी क्राइम खुद कहने में ऐसा लगे हुए हैं। आखिर कैसे हत्या की सूचना के बाद पुलिस की डीवीआर मौके पर पहुंची और होटल के कमरा नंबर 114 को चेक किया और लौट गई। डीसीपी क्राइम की माने तो दिव्या पहुजा की बहन नैना पहुजा ने पुलिस को फोन किया था, बताया कि दिव्या ने आखिरी बातचीत में द सिटी पॉइंट होटल का जिक्र किया था, जो आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं। जब वो बहन को तलाशने होटल गई तो उसे किसी कमरे में जाने नहीं दिया गया और ना ही सीसीटीवी कैमरा दिखाए गए। इसके बाद रात तकरीबन 1:30 बजे सेक्टर 14 पुलिस थाने की पुलिस तलबल के साथ मौके पर पहुंची, कमरा नंबर 114 और तमाम कमरों को चेक किया। इसके बाद जब सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए तो गुरुग्राम पुलिस के भी होश फाख्ता हो गए। तब तक हत्यारोपी अभिजीत सिंह दिव्या के शव को होटल के गलियारों से घसीटते हुए बीएमडब्ल्यू गाड़ी में रख ठिकाने लगाने के लिए गाड़ी की चाबी बलराज और अभी बांगा के हवाले कर चुका था। पुलिस की माने तो अभिजीत सिंह होटल का मालिक था, लिहाजा कमरा नंबर 114 उसके लिए बुक रहता था। लेकिन 2 जनवरी को क्या हुआ? 2 जनवरी की सुबह अभिजीत और दिव्या के साथ एक अन्य शख्स भी शामिल था, लिहाजा अभिजीत और दिव्या 111 नंबर में रुके तो वही दूसरा व्यक्ति जो है वो 114 नंबर में रुका हुआ था। हालांकि इस शख्स के बारे में गुरुग्राम पुलिस भी मुंह खोलने को तैयार नहीं है। पुलिस अफसर की माने तो हत्यारोपी अभिजीत सिंह ने 2 जनवरी की शाम 5 बजे उसने सिर के बीचों बीच दिव्या पहुजा को गोली मारी और उसकी हत्या कर दी। फिर नशे की हालत में अभिजीत रिसेप्शन पर पहुंचा और वहां मौजूद अनूप को कहा कि पुलिस को फोन करके कहो कि युवती की लाश 114 नंबर रूम में पड़ी है। मामले की सूचना अनूप ने पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची लेकिन 114 नंबर को चेक किया गया और सिर्फ एक फॉर्मेलिटी की गई। अगर पुलिस ने अनूप से सही से पूछताछ की होती और सीसीटीवी कैमरे चेक किए होते तो दिव्या पहुजा के हत्यारोपी और शव को कमरे से बरामद किया जा सकता था। नशे में धुत हत्यारोपी अभिजीत सिंह ने हत्या के फौरन बाद शव को ठिकाने लगाने की पूरी तैयारी कर ली थी। अभिजीत ने दिल्ली के साउथ एक्स से अपने खासम खास दोस्त बलराज गिल और हिसार के रहने वाली रवि बांगा को गुरुग्राम बुलाया और अपनी बीएमडब्ल्यू कार की चाबी सौंप दी। दिव्या के शव को ठिकाने लगाने के लिए 10 लाख रुपए भी दिए। बलराज और रवि बीएमडब्ल्यू में शव रखकर मौके से फरार हो गए। डीसीपी क्राइम की माने तो हत्यारोपी अभिजीत ने शव को ठिकाने लगाने के बाद पेट्रोल से होटल के कमरे और गलियारों में लगे खून के धब्बों को साफ भी कराया। टीम की माने तो पेट्रोल की गंध वाला पोछा और अन्य संदिग्ध सामान होटल के स्टोर रूम से बरामद किया गया है। 25 जुलाई को जमानत मिली और गैंगस्टर के कहने से अभिजीत से मिली डीसीपी क्राइम विजय प्रताप सिंह के मुताबिक हत्यारोपी अभिजीत सिंह ने पुलिसिया पूछताछ में खुलासा किया कि दिव्या जमानत पर बाहर आने के बाद अभिजीत से मिली और उसी ने मुंबई की जेल में बंद गैंगस्टर विंदर गुर्जर से उसकी बात कराई। दिव्या पहुजा और अभिजीत सिंह 3 महीनों से संपर्क में थे और लिव इन पार्टनर के तौर पर रह रहे थे। अश्लील वीडियो से भी ब्लैकमेलिंग की गई थी। बताया जा रहा है कि दिव्या ने अभिजीत की अश्लील वीडियो मोबाइल कैमरों में कैद कर ली और ब्लैकमेल करने लगी। इसी से तंग आकर अभिजीत ने दिव्या पहुजा की गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं पुलिस की माने तो शव को ठिकाने लगाने में इस्तेमाल बीएमडब्ल्यू गाड़ी को पंजाब पटियाला बस अड्डे से बरामद किया गया, जिसकी डिग्गी खुलवाने की कोशिश की गई। नशे और अय्याशी का शौकीन अभिजीत बताया जा रहा है। हालांकि देखा जाए तो वो एक इंजीनियर है, किसी बड़ी कंपनी में बड़े ओहदे पर काम भी कर चुका है, लेकिन नशे के आदि हो जाने की वजह से नशा और अय्याशी का शौकीन था। तो इस तरह पूरा मर्डर दिव्या पहुजा का किया गया है। इसमें ब्लैकमेलिंग भी आ रही है, इसमें पैसों का भी खेल आ रहा है, इसमें कमरा नंबर 111 और 114 भी संदिग्ध माने जा रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले पर पुलिस ज्यादा कुछ नहीं कह रही है, सिर्फ यही इंफॉर्मेशन निकल कर आई है कि दिव्या और अभिजीत लिव इन रिलेशनशिप में थे और दिव्या जो है लगातार अभिजीत को ब्लैकमेल कर रही थी और मर्डर की वजह सिर्फ और सिर्फ ब्लैकमेलिंग मानी जा रही है। आगे पुलिस इस पर कुछ नहीं कह रही है। अब देखना यह है कि इस पूरे मामले पर क्या खुलासा होता है।